वेटेरियन एक्टर दिलीप साहब आज हमारे बीच भले ही फिजिकली मौजूद ना हो, लेकिन हमारे दिल में और फिल्म इंडस्ट्री की यादों में, फिल्म के इतिहास में, हिंदी सिनेमा जगत में दिलीप साहब अमर हैं, अमर रहेंगे, ये कहना गलत नहीं होगा। 7 जुलाई को भले ही दिलीप साहब हमेशा के लिए सो गए, लेकिन दिलीप साहब सायरा बानो के वो हस्बैंड हैं जो कि हमेशा से ही उनके ना सिर्फ दिल के करीब रहे बल्कि उनके साथ रहे हैं साय की तरह। इसलिए सायरा ने भी दिलीप साहब का साय की तरह हर वक्त साथ दिया है। जी हाँ, दिलीप साहब ने जब निधन के ठीक पहले की आखिरी रात दर्द में गुजारी, सायरा बिल्कुल उनके सामने थी। दिलीप साहब को ये महसूस ना हो कि वो अकेले हैं, इसीलिए दिलीप साहब को सायरा बानो ने हॉस्पिटल में एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। उनका स्पेशल चाय और उन पर प्यार लुटाकर, उनके माथे को चूम कर, उन पर बहुत ज़्यादा मेहरबान होती हुई सायरा बानो हॉस्पिटल में भी हर एक सेकंड उनके सामने रहे। जब वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन ले रहे थे दिलीप साहब, 8 दिनों तक उनके साथ सायरा बानो रही हैं। सायरा ने बिल्कुल ही दिलीप साहब को अकेला नहीं छोड़ा। डॉक्टर नितिन गोखले ने बताया था कि सायरा बानो ने दिलीप साहब को देखा हमेशा के लिए आंखें बंद करते अपने सामने हिंदुजा हॉस्पिटल में। सायरा दिलीप साहब को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के बीच भी सायरा अपने पति का पूरा ख्याल रखने के लिए, पत्नी होने की जिम्मेदारी से ज़्यादा एक हम सफ़र और एक हम दर्द बनकर उनका दर्द बांट रही थी। सायरा बानो के इसी अंदाज़ को हमेशा देखा गया है। सायरा ने दिलीप साहब पर इस तरह का प्यार हमेशा बरसाया है। सायरा ने दिलीप साहब के बीमारी के दिनों में भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। इसी कारण से दिलीप साहब को अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस लेते हुए भी किसी बात का गम नहीं था। आपको हैरानी होगी जानकर, लेकिन सायरा बानो हमेशा दिलीप साहब के साथ सामने हंसती रही, कभी उनके सामने रोते नज़र नहीं आई। सायरा ने दिलीप को बीमार और रोते देखकर भी उन्हें हंसाया, मुस्कुराकर उनका दर्द बांटा था।